बहुत खुशी की बात है कि आज वो दिन आ गया। 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूँ। मगर अफसोस इस बात का भी है कि जहाँ ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बायकॉट नहीं है, वहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी के और ख़ासकर हमारी पार्टी के वर्कर्स को, सीधा सीधा वर्कर्स को इन्होंने इन दो दिनों में बंद कर रखा है। एक तरफ से ये कहते हैं कि इलेक्शन बहुत आज़ादी से हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया? क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे? और वो ज़रूर हारेंगे, इंशाल्लाह हारेंगे। बहुत खुशी की बात है कि आज वो दिन आ गया। 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूँ। मगर अफसोस इस बात का भी है कि जहाँ ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बायकॉट नहीं है, वहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी के और ख़ासकर हमारी पार्टी के वर्कर्स को, सीधा सीधा वर्कर्स को इन्होंने इन दो दिनों में बंद कर रखा है। एक तरफ से ये कहते हैं कि इलेक्शन बहुत आज़ादी से हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया? क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे? और वो ज़रूर हारेंगे, इंशाल्लाह हारेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।